डॉक्टर सक्सेना, मैं आपका सबका वो करता हूँ, प्लीज वेलकम टू द शो। एंड आज हम लोग बात करेंगे समथिंग लाइक कैंसर। एंड ये कंसेप्ट अगर किसी को समझ सकते हैं कोई कि क्या बीतती होगी अगर किसी को बताया जाता है कि यू हैव गॉट कैंसर, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको डिटेक्ट जल्दी कर लिया गया है, एंड द बैड न्यूज़ इज़ दैट यू हैव गॉट ए कैंसर। सो ये जो शब्द है कि ये आपको कैंसर है, ये तीन लेटर वर्ड डॉक्टर तो इजीली बोल देता है, बट इसको सुनने की क्षमता कितने लोगों में है, इस ये सुनने के पहले आप एक हस्बैंड या आप वाइफ थे, आप कोई टीचर थे, या आप कोई अकाउंटेंट थे, आप या डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, नाउ उसके तुरंत बाद आप एक पेशेंट बन जाते हैं। आफ्टर द ये बोलने के बाद कि आपको कैंसर है, इमीडिएटली आप तब्दील हो जाते हैं, आप पेशेंट बन जाते हो। इससे जो हैबत होती है, उससे जो डिसबिलीव बोलते हैं, जिसको कि नकारते हैं लोग, एंड उसके साथ जो भय होता है और उसके साथ जो दुख होता है कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी लूज करते हो डिजीज के सामने, आपको कहला जाता है कि नो, ही इज़ नॉट मिस्टर सो एंड सो, ही इज़ अ कैंसर पेशेंट। ठीक है, तो दिस मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैंने ये जो एक जो चीज़ होती है, एंड इसको जूझने के लिए, इससे इसको लेके आगे चलने के लिए मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको करनी होगी, ताकि अपना खुद का पाथ चूज करो और इसके साथ यू बिकम, आपको एक तरीके से आपका डाइट चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और ये बहुत सिंपल सी बात नहीं है, इट रिक्वायर्स, इसको बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, और साथ में उसकी सहन शक्ति चाहिए एज वेल, और एक खुद की सोच चाहिए जिससे आप इससे बाहर निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है, वो ये उनकी जो सर्वाइवल क्वालिटीज़ बोलते हैं, वो जिनमें फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो दे ये लोग बहुत इजीली कर पाते हैं। यूजुअली हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, किलर इंस्टिंक्ट, ये सब चीज़ें आपको, अगर आप खुदा ना खास्ता आप पेशेंट बनते हो और आपको मान लो वो जो ड्रेडेड लेटर कैंसर आता है, सपोज, उम्मीद करता हूँ किसी को ये चीज़ से गुजरना ना पड़े, बट इन केस तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कैंसर से आपको समझौता करना है, या आपको उसको कहीं निकाल के बाहर फेंकना है, इसको क्या करना है, हाउ आप इसको आगे, आपके ऑप्शंस क्या है, ये सब चीज़ें एक तरीके से आपको नीडर होके आपके लोगों के साथ बैठ के आपको डिसाइड करना है। बोल दिया जाता है कि हाँ, ये आपका बहुत लेट स्टेज है, आपको ये कीमो इतना परसेंटेज काम करेगा, ये काम करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो हेल्थ है, आपका जो कैंसर के पहले जो आपका पोजिशन था, वो उसको फिर से कैसे आप रिक्लेम कर सकते हो, आप उसको वापस फिर से वो स्टेज में कैसे जा सकते हो। हम ये नहीं बता रहे कि आपका कैंसर ज़ीरो कर देंगे और ये कर देंगे, हम ये मानते हैं कि कुछ कारण हैं, उसकी वजह से कुछ कारण है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप जब इसको जब आ गया है, तो ट्राई टू सी हाउ बेस्ट हम उसको संतुलन में कितनी देर रख पाएंगे। अगर वो किसी
तरह से और आगे फलता फूलता नहीं है और दूसरे ऑर्गन्स में जाता नहीं है, उधर ही उसकी जगह सीमित रह जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं हम ये सीरीज में बात करेंगे। मेरा छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, मैं एम ए कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर, मैंने MBBS की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने रेडियोलॉजी किया है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड CT स्कैन में काफ़ी बहुत सभी ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। एंड इसके बाद मेरा एक मेटल टॉक्सिकोलॉजी, ये जो है ना मैं काफ़ी, अब ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों आई वो चीज़ को देखने वाला इंसान हूँ। जैसे हमको बोल दिया जाता है कि हाँ आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको सोरियासिस है, किस लिए क्या कॉज है नहीं पता, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है किस लिए नहीं पता, कैंसर है किस लिए नहीं पता। सो आज हमने, मैंने कुछ एनवायरमेंटल मेडिसिन में काम किया है, आई वेंट इनटू एक मेटल टॉक्सिकोलॉजी का एक वो होता है क्लिनिकल मेटल टॉक्सिकोलॉजी, उसमें मैंने बोर्ड सर्टिफिकेशन किया है। उसके बाद हमको ये पता चला है ये अध्ययन करने से कि आपका जो कैंसर है ये इसका कारण ये है कि आपका बॉडी बर्डन काफ़ी टॉक्सिन्स से भरा हुआ है। टॉक्सिन्स का मतलब ये होता है कि आप, इट्स सिंपल, आप बोलते थे पहले, हम सिर्फ सबको बोलते थे कैंसर है, आप सिगरेट स्मोक करते हैं, आपको डायबिटीज़ है, आप क्या हुए हैं। तो आज की जो कैंसर हो रहा है, कोई सिगरेट पी नहीं रहा है उसके बाद उसको कैंसर हो रहा है। पहले पाया जाता था कि मेल्स में है कैंसर ज़्यादा है, स्मोकर्स, मेल स्मोकर्स, और उनको लंग कैंसर होता है। आज हम देखते हैं हाउसवाइफ्स को बिना कोई स्मोकिंग रीज़न, नॉट इवन सेकेंड हैंड स्मोक भी नहीं है, उनको भी कुछ पाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। सी, अभी अभी हमको ये पता चल रहा है कि कैंसर क्या चीज है। ऑपरेशन करके काट के फेंकने के बाद, उसको रेडिएशन करके बर्न करने के बाद और कीमोथेरेपी से उसको पॉइजन करने के बावजूद भी वो फिर से बनता है, ये चीज की चर्चा होनी चाहिए। ये चीज के ऊपर काफी वो चाहिए, आई आंसर्स है नहीं हमारे पास। सो अभी जो कैंसर की बात जो चलेगी, हम लोगों ने अभी अभी कुछ टाइम हुआ है, ओटावा में बहुत सारे लोग हैं, वो लोगों ने कुछ किया है, तो हम ये चीज़ को मान के चलते हैं कि कैंसर इज़ एक आइसोलेटेड डिसीज़ नहीं है, इट्स ए मल्टी सिस्टम, मीन्स होल बॉडी इफेक्ट है। हमको लगता है भाई कैंसर हो गया है, कहीं लंग कैंसर हो गया है तो वी फील इट्स ओनली द लंग को निकाल दो हो जाएगी समस्या, ऐसे नहीं होता है। इसलिए कि ये एक लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एकदम से कोई वंडर ड्रग दे देंगे उसको बिल्कुल थोड़ी तरह से ब्लास्ट कर देगा, एंड ये ऐसे भी हो नहीं पा रहा है। ये जो कैंसर है ये इसको एक बोलते हैं कैस्केड ऑफ मॉलिकुलर ग्लिचेस बोलते हैं, जेनेटिक एंड मॉलिकुलर ग्लिचेस। आपके जेनेटिक्स में थोड़ा सा चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस और मॉलिकुलर ग्लिचेस हो रहे हैं। सो ये कैंसर एक सिम्टम है। आपको हेडेक होता है, हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ योर साइनस, और आपको हेडेक हो सकता है माइग्रेन से हो सकता है, हेडेक आपको कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है, हेडेक आपको हाइपरटेंशन से हो सकता है, आई प्रॉब्लम से हेडेक हो सकता है। तो हेडेक इज जस्ट अ सिम्टम, एक उसका वो है ऊपर है। सो कैंसर भी ऐसे ही है कि एक सिम्टम ऑफ ए अल्टर्ड और अनबैलेंस्ड, बिल्कुल गड़बड़ा गया है सिस्टम अंदर से, काफ़ी प्रॉपरली उसमें एक दूसरे में वो नहीं
लय नहीं है, एक सडनली एक कुछ एक ऑर्गन एक बोलता है तो दूसरा ऑर्गन कुछ और सुनता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली कैंसर में. इसी की वजह से आप जितना भी कर पा रहे हो, सर्जरी कर पा रहे हो, रेडिएशन कर पा रहे हो, आप कीमो तक जा रहे हो, ये सब जाके फेल हो रही है. इसका मूल कारण ये है कि आपने कैंसर के जो कण हैं, उसको हम जो बोलते हैं स्टेम सेल्स ऑफ कैंसर, उसको आप पहुंच नहीं पाते हो. और या ना तो आप ये ट्रीटमेंट से आप ना तो बायो बॉडी का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है उसको ठीक नहीं कर पाते हो. सो इसकी वजह से आपका बहुत बड़ी समस्या में पड़े हुए हो. ये जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो गया है, इसको इसी की वजह से कैंसर फिर से रिकर होता है. सिंपल वे अगर मैं सिंपल कहूँ तो कैंसर एक सिस्टमिक पूरी तरह से एक डिसरप्शन है. डिसरप्शन इज बेसिकली एक लड़खड़ाता हुआ सिस्टम है जहाँ पे प्रॉपरली वो नहीं पहुँच रहा है. उसके साथ एंड बॉडी रिसोर्सेज जो है और मैकेनिज्म्स है वो भी काफ़ी गड़बड़ा चुके हैं आपके. इसीलिए आपको कैंसर जो है काफ़ी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है. इट इज़ इन्वॉल्विंग आपके बॉडी का फैट्स को निकाल दे रहा है. इट्स ट्राइंग टू यूज योर प्रोटीन्स. वो कैंसर की का जो है द कैंसर अपने आप में ग्रो होने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी इट कम्स थ्रू द ये ब्रेकिंग डाउन. इसको जो बॉडी में जो कैटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो प्रोसेस हो रहा है. आज हम लोग जितना भी बात कर रहे हैं काफ़ी हमारे पास काफ़ी तथ्य हैं कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कैंसर बढ़ रहा है दुगना चौगुना काइंड ऑफ थिंग. सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टेलर्ड अप्रोच किया है इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा, विच ब्लेंड्स उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं. डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है, माइंड बॉडी मेडिसिन टेक्निक होता है. देखो आपको आत्मविश्वास दिलाना है पेशेंट को कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो. आपको अगर मैं बोलूँ हाओ कैंसर इसमें इतने लोग हैं इसे, अगर मैं नेगेटिव आपको वो दे रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग इन ए स्लाइटली नेगेटिव वे, दैट ऑल्सो वर्क्स इन ए बिग वे. एंड नेचुरल मेडिसिन है, बहुत सारे चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है दैट यू कैन यूज़ इट. वर्क ऑन नॉर्मल सिंपल थिंग्स. तो ये जो प्रोग्राम जो हमने रखा है इट इज़ नॉट जस्ट ये एक इसका नहीं है एक सिंगल आदमी का वो माई दिस इज़ मेरा ओन थोड़ा अप्रोच है. साथ ही साथ में काफ़ी रिसर्च हुआ है जो ऑन्कोलॉजी में, न्यूट्रिशन में, बॉटैनिकल्स में, माइंड बॉडी मेडिसिन में और थेरेपेटिक एक्सरसाइज में. वो चीज़ों को पूरी तरह से हम लेके ये इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी के समुख रखते हैं. एंड ये मल्टीपल कॉजेस जो है उसको 360 डिग्रीज अप्रोच से ट्राई करना ज़रूरी है. एंड ये चीज़ करते हुए आप हम ये ऑलवेज ये बोल रहे हैं कि यू टेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. हम ये नहीं बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको ओनली अल्टरनेटिव लेना है. आप जो कीमो ले रहे हो, आप रेडिएशन ले रहे हो, आप उसका आप जो डाइट फॉलो कर रहे हो, ये सर्जरी के लिए जा रहे हो, उसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स अगर आप करते हो तो आपका रिजल्ट्स आर मच मच बेटर. और काफ़ी देखने को मिलता है हमारे पास पेशेंट्स वो जस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग उनकी जो अंदर की जो क्षमता है, बॉडी में जो क्षमता है उसको बाहर ला के अगर हम उसका रेजिस्टेंस पावर जो होता है इम्यूनिटी को थोड़ा सा सेट कर पाते हैं, थिंग्स आर मच बेटर. एंड ये दिस इज़ हाउ हम ये सीरीज को बात करेंगे. दिस इज़ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी और मैं डॉक्टर प्रवीण सक्सेना
एंड हमारा टीम आप वी विल हेल्प यू आउट इन ऑल द स्टेप्स. थैंक यू.